झूठी दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है। पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2